देश की बात फाउंडेशन पक्ष गोटा पश्चिम बंग जुड़े जतगुल ट्रेड यूनियन आतगुल स्टूडेंट यूनियन आज सबाई के हावड़ा शरद सदने 5 जून आमंत्रण जाना एखने रोजगार निश्चयता करार एक बड़े कर्मसूचर आयोजन कर्मसूची विभिन्न जिला प्राय 500 जन अंशग्रहण कर देश की बात फाउंडेशन पक्ष केंद्रीय सरकार एकटाई आवेदन जाना जरा बेकार तर कर्मसंस्थान व्यवस्था करते आंदोलन तब शुद्ध एक दिन नय जतदिन पर्यन्त केंद्रीय सरकार एर कोनो सुराहा ना करे ततदिन पर्यन्त एई आंदोलन जारी थाकबे। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলে নেবে রাজকুমার গুপ্তার সঙ্গে। তিনি কি বলছেন শুনে নিন তার মুখ থেকে। দেশ কি বাত ফাউন্ডেশন কি তরফ সে পুরো পশ্চিম বঙ্গাল মে এক ইহাঁ পর এক সভা কা আয়োজন কিয়া জা রাহা হ্যায় জিসমে পুরে রাজ্য ভর সে জিতনে ইউনিয়ন হ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন হো चाहे वो कर्मचारी यूनियन है, सभी जगहों के कॉलेज की यूनियन है, ये सभी लोगों को इनवाइट यहाँ पर किया गया है और ये 5 जून को हावड़ा सरस सदन में आयोजन किया जाएगा। और इसको लेकर के हमारे साथ में है यहाँ पर राजकुमार जी और उन्हीं से हम लोग बात करते हैं जो देश की फाउंडेशन का संचालन भी है और पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक भी हैं। राजकुमार जी, क्या कार्यक्रम का रखा गया है? सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार। देश की बात फाउंडेशन की जो मुहिम है, नफरत नहीं रोजगार चाहिए जीने का अधिकार चाहिए, इस मुहिम के तहत पूरे देश भर में हर जिले में एक हर शहर के राज्य में एक आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के तहत हमारा पश्चिम बंगाल में 5 जून को राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो ड्राफ्ट हम लोग तैयार किए हैं देश की बात फाउंडेशन ने रोजगार के गारंटी कानून लाने के लिए जो इस नीति ड्राफ्ट को तैयार किया है, इस ड्राफ्ट के तहत हमने और ओपिनियन लेने के लिए पश्चिम बंगाल में हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भी यहाँ आएंगे। 5 जून को सरस सदन में आयोजन किया गया है, इसमें लगभग 500 लोगों को शामिल होने का अभी तक हमारे पास निमंत्रण है कि 500 लोग आ रहे हैं, उससे ज़्यादा होंगे, अभी तक 500 लोग कन्फर्म है। इस प्रोग्राम में नफरत नहीं रोजगार चाहिए जीने का अधिकार चाहिए राष्ट्रीय रोजगार संसद के इस प्रोग्राम में पूरे राज्य से सभी ट्रेड यूनियन, सभी छात्र यूनियन, जो बेरोजगार हमारे युवा भाई हैं, उस बेरोजगार मजदूर सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी जाति भेद, बिना किसी राजनीतिक सिस्टम के इस आयोजन में आह्वान किया गया है, सभी आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य, बहुमूल्य योगदान, अपना सुझाव दें कि हम इस कानून को बनाने में सफल हों और देश के सभी नागरिक को समान अधिकार और समान रोजगार की गारंटी का एक नया कानून बन सके, इसी मुहिम के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से लगातार देश की बात फाउंडेशन ने जिस प्रकार से लगातार ये मुहिम को छेड़ रखी है, वो आने वाले समय में वो आपको नजर आएगा कि आगे क्या होता है। तब तक हम लोग फिर इस पर नजर रखते हैं। नरेंद्र दुबे, कोलकाता से।